हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इन ट्रायंगल्स के साथ बोटनेक गले को बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज जो हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं, ये एक हम फ्रॉक स्टाइल कुर्ती में बना रहे हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हमारी फ्रॉक स्टाइल कुर्ते की चोली है। तो सबसे पहले हमें अपनी जो चोली है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आप इस डिज़ाइन को अपनी स्ट्रेट कुर्ते में भी बना सकते हैं। बस स्ट्रेट कुर्ती में आप अपनी जो ये डिज़ाइन है इसके लिए चोली को ऐड कर लें तो आप स्ट्रेट कुर्ती में भी बना पाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, हमने जो चोली है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं, हमने ये मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन के एक स्क्वेयर पीस कट करके रखे हैं काफ़ी सारे। इनका जो साइज़ है वो 3x3 का है, 3 इंच लंबा है और 3 इंच चौड़ा है। तो इन पीस से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक पीस फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और इसको साइड से सील लेंगे। दोबारा देखिए, इस तरह फोल्ड करेंगे हम, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और नीचे से सील लेंगे। इस तरह जितने ये ट्रायंगल्स हमें हमारी कुर्ती में रिक्वायरमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये बहुत सारे ट्रायंगल्स रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारे ट्रायंगल्स हमारी कुर्ती के लिए रेडी कर लिए हैं। इस तरह हमने बहुत सारे ट्रायंगल्स रेडी कर लिए हैं। अब ट्रायंगल्स रेडी करने के बाद सारे ट्रायंगल्स को हमें अलग अलग कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा ट्रायंगल में उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह हमने कटिंग करके ट्रायंगल्स को रेडी कर लिया है। अब जो हमारी कुर्ती है जिसके हमने दो पार्ट्स किए थे चोली के, तो नीचे से हमें इस तरह ट्रायंगल्स को अटैच करना है चोली के साथ। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक ट्रायंगल हमारी कुर्ती में हम जो हमारी चोली है उसके साथ अटैच करेंगे और ट्रायंगल्स को चोली के साथ सील लेंगे। हम ऊपर तक अपने ट्रायंगल्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, हमने ऊपर तक ट्रायंगल अटैच कर लिए हैं। तो हमें शोल्डर से नीचे 5 इंच नीचे तक ही ट्रायंगल अटैच करने हैं। 5 इंच में हमारा बोटनेक गला बनेगा। तो हमने 5 इंच नीचे तक ट्रायंगल्स को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। ट्रायंगल्स को अटैच करने के बाद अब जो हमारी कुर्ती का जो हमारी चोली का दूसरा पार्ट है उस दूसरे पार्ट को हमें रखना है, ट्रायंगल्स दोनों अंदर की तरफ रखनी है सीधी साइड। और जो सिलाई हमने ट्रायंगल्स अटैच करते टाइम मारी थी उसी सिलाई के साथ हमें जो हमारी चोली का सेकंड पार्ट है उसको भी अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं, जो हमारी सारी ट्रायंगल्स है इसको हमने अपनी चोली में अटैच कर लिया है। और अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं, हमारी जो चोली का लुक है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव आ रहा है। अटैच करने के बाद सभी ट्रायंगल्स को हम साइड में करके बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। सेंटर में हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसमें ऊपर बोटनेक गले को बनाएंगे।